आईडी तेरी आधार क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, माँ की कसम। उत्तर प्रदेश के बदायूं डबल मर्डर केस से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद को बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहाँ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जो कि गिरफ्तारी से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में जावेद एक ऑटो में बैठा दिखाई दे रहा है और आसपास के लोग उससे पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जावेद लगातार लोगों से गुहार लगा रहा है कि वे निर्दोष है और उसको पुलिस को सौंप दिया जाए। वीडियो में जावेद ये बात भी कहते नजर आ रहा है कि साजिद उसके भाई, जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, उसने जो कुछ भी किया बच्चों के साथ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, मोहम्मद जावेद। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, धूप में वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे क्यों क्यों करा, मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? तीन दो 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 लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम यहाँ आपको बता दें कि साजिद और जावेद दोनों भाइयों पर अपने सामने रहने वाले दो छोटे छोटे बच्चों की हत्या का आरोप है। इस जब ये घटना सामने आई तो काफ़ी माहौल गर्म हो गया था। लोगों ने सामने की दुकान जो थी साजिद और जावेद की, उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। और इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने एनकाउंटर में साजिद को मार गिराने का दावा भी किया है। फिलहाल जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ था। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगा, लोकमत आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।